नमस्कार, ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। मेरे साथ में है अमीरी चंद और इनको फैटी लिवर है, पेट के अंदर में ओबेसिटी है। कार्डियक चेकअप हमने किए हैं, कार्डियक चेकअप इनके नॉर्मल हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर में जिनको फैटी लिवर काफ़ी एडवांस होता है, वाइटामिन ई लेना चाहिए और उसके साथ में चीनी चावल मैदा बंद कर देना चाहिए। थैंक यू। ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल और मेरे साथ में है रीना देवी, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड की रेगुलर पेशेंट हैं। इनको डबल वैल रिप्लेसमेंट की जरूरत है और ऑल इंडिया शूट में हमने इनको रेफर किया, तो वो अंडर पुअर कैटेगरी के अंदर में इसको एडॉप्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं डॉक्टर के अग्रवाल, मेरे साथ में है रेणु देवी। रूमेटिक हार्ट डिसीज है, करीबन 3 साल से हमारे साथ में फॉलोअप पे हैं और हर वैल्व के अंदर में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। अगर आपका वैल्व एरिया 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे चल सकते हो और इनका इलाज हम करीबन 2.5 साल से मेडिकल ट्रीटमेंट पे कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग्स और समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में है नवमान, 15 दिन का है, सर्जरी की जरूरत है। आयुष्मान कार्ड का इसका, भारत का इसका कार्ड बन गया और हम पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि इसकी सर्जरी समय पे हो। थैंक यू। डॉक्टर के अग्रवाल हेयर, ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में है सूरज, 46 साल के हैं, हार्ट अटैक हुआ था। पोस्ट हार्ट अटैक इन्होंने सिगरेट बंद कर दी है और स्टेबल हैं दवाइयों पे। हर हार्ट अटैक के बाद में एंजियोप्लास्टी या सर्जरी की जरूरत नहीं होती। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग्स ऑफ समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में होरम सिंह हैं, इनका 1 सेंटीमीटर से बड़ा गॉल ब्लैडर स्टोन है और ये पूछ रहे हैं कि मैं ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं। अगर तकलीफ नहीं है तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर का जो चांस होता है वो बहुत रेयर होता है। इसको हम अभी मेडिकल ट्रीटमेंट पे इवेल्युएट कर रहे हैं। थैंक यू। ग्रीटिंग्स ऑफ समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, मेरे साथ में सुनीता जी हैं। 2014 में हमने इनको अडॉप्ट किया था, 2 हार्ट के वैल चेंज हुए थे। आज ये बिल्कुल स्टेबल हैं और गाजियाबाद से हमारे पास में आती हैं और कंटिन्यूअसली साल में 2 बार आके दिखाती हैं। थैंक यू। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। आयुष, 3 साल का बच्चा हमारे को रेफर किया गया है विद हार्ट डिसीज। हमने यहां पे इको किया है, इसको कोई हार्ट डिसीज नहीं है। अनदर पेशेंट वेयर वी हैव रूल्ड आउट हार्ट डिसीज। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। अशफाक है, पोस्ट एमवीआर है, हेपेटाइटिस सी के लिए हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था। इनको ट्रीटमेंट अब फ्री मिल रहा है, लेकिन हार्ट की वैल्व के ऊपर में दोबारा से प्रॉब्लम है। इनको नेशनल हार्ट में हम दोबारा से भेज रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, मेरे साथ में आशा जी हैं और इनको 1 आर्टरी 100% ब्लॉक है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे है, अब बिल्कुल स्टेबल है। हमारी फाउंडेशन में अगर 100% आर्टरी ब्लॉक हो और सिम्टम्स नहीं है तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट पे रखते हैं। थैंक यू। नमस्कार, ग्रीटिंग फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, मेरे साथ में है आकृति, 7 महीने की है, छोटे छोटे होल्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में है अभी। इनको हम फॉलोअप कर रहे हैं, हम रिपीटेडली एको कर रहे हैं और जब अप्रोप्रिएट समय होगा हम इसको अडॉप्ट करके सर्जरी कराएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेजिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। हाँ, ये फंड हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। वो सारे बच्चे या बड़े जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमें अप्रोच करते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और सर्जरी कराते हैं। यह है शुभम, 12 साल का है, हार्ट की सर्जरी की जरूरत है। माँ इसको छोड़ के चली गई है, पिताजी के साथ में रहता है और पिताजी शराब पीते हैं और शराब पीने के कारण से कोई काम नहीं करते। घर में इसकी दादी चलाती है और दादी हमारे साथ में है, इसके फादर भी हमारे साथ में है, बच्चा भी हमारे साथ में है। तो ऐसे केसेस में अगर हम सर्जरी करें तो बच्चे को कौन लुक आफ्टर करेगा? अगर फादर शराबी है या तो वो शराब छोड़े यानी कि समय लगेगा। तो हमने समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड से हमने ये निश्चय किया, हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, सर्जरी कराएंगे, लेकिन पहले इसकी दादी सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम पे करे, यानी कि फादर के जो हिस्सा है वो सारा इस बच्चे के नाम पे करे, ताकि फादर के मन में ये ना आए कि मैं सारी प्रॉपर्टी को बेच के शराब के अंदर में उड़ा दूं। जब फादर के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी वो भी सुधरेंगे, वो भी शराब को छोड़ेंगे और बच्चे की केयर भी करेंगे। सर्जरी हम करा रहे हैं, प्रॉपर्टी माँ इसको अडॉप्ट करा रही है उसके साथ में,
तो दो लोगों का हम फायदा करा रहे हैं, बच्चे का भी, बच्चे के फादर का भी, बच्चे की सर्जरी और फादर का रिहैबिलिटेशन। तो आज इसके पिताजी बोलो प्रण करो कि शराब छोड़ोगे, जोर से बोलो। हाँ सर। क्या शराब छोड़ा नहीं? हाँ नहीं छोड़ेंगे, मतलब छोड़े नहीं अभी तक? नहीं सर छोड़ दिया है। कितने दिन से नहीं पी रहे? एक हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता हो गया। और सर्जरी कराने के बाद में फिर ये माँ बाप हमारे पास में आएंगे, आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी की पेपर्स हैं कि दादी ने प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे कर दी है, और ये लेटर सोमा जी हमारी आज की चीफ गेस्ट ये इशू कर रही हैं हमारे शुभम को, जिसका कोई नहीं उसका समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। आपके पास में भी कोई ऐसा बच्चा है नजरों में आए तो हमें कॉन्टेक्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।